तो गाइस हमने सर्वाइवल सीरीज ना खेले हुए पूरे एक साल हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? मेरा मतलब 6 दिन ही हुए बस है? और मैंने सोचा कि आप लोगों को मेरा गेम प्ले का याद आ रहा होगा। नो बट फिर भी मैं तो खेलूंगा। तो गाइस बहुत हो गया नाटकबाजी, तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे 100 एकड़ जमीन तक फैला हुआ एक फार्म जिसमें हमारा विंडमिल भी होने वाला है। हाँ बट फिर भी पंखा चले या ना चले हम तो बनाएंगे। और जिस जिसको पता नहीं कि विंडमिल क्या होता है गूगल में खुद सर्च कर लो, मैं नहीं दिखाने वाला। तो गाइस इसी खुशी में आज वो लाल लाल वाला सब्सक्राइब बटन भी फोड़ दिया जाए और एक थप्पा भी छोड़ देना। तो आज का शाउटआउट जाता है ब्रूजो ऑफिशियल, एचएम गेमर, एफएक्सआर गेमर और सिमरन को। और अगर आप लोगों भी शाउटआउट चाहे तो एक काम करो, आपके पास अगर 10 उंगलियां है और मोबाइल में कीबोर्ड है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो अब हम अपने 100 एकड़ जमीन में फार्म बनाना शुरू करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो अपनी दुनिया में आते हम अपने संदूक में कुछ कूड़े को रख देते जो कि कुछ काम का नहीं है, बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह। चल तो संदूक में सारे कूड़े को रखने के बाद हम चले जाते हैं एक एरिया को ढूंढने, क्योंकि 100 एकड़ की खेत बनाने के लिए सबसे पहले 100 एकड़ की जमीन तो होना चाहिए ना। तो चले गए ढूंढने। तो जमीन मिलने के बाद हम इस सारे ट्रिक को प्यार से उड़ा देते हैं और हम दूसरा जमीन हड़पने के लिए एक जमीन देख रहे थे, बट यहाँ तो एक बड़ा सा पहाड़ है तो हम पहाड़ी बनने के मूड में नहीं थे तो यही पे काम चला लेते हैं। तो उसके बाद हम इस जमीन को एडजस्ट करने लगते हैं ताकि इधर हम एक फार्म बना सके। तो ये वाला एरिया भी पूरा साफ हो चुका है, बिल्कुल मेरी जेब की तरह। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो इतना होने के बाद हम शवल से अपने फार्म का बॉर्डर बनाने लगते हैं, नहीं तो बाहरी देश का हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। और इसी बॉर्डर के अंदर हम अपना सारा फार्म बनाने वाले हैं। गाइस बॉर्डर बनाते बनाते हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हमने सोचा कि मजदूरी तो करना है, इतना टाइम को वेस्ट क्यों करना। तो इसलिए हम कैजुअल से एमएलजी करते करते अपने झोपड़ी में पहुंच जाते हैं और अपने पेटी से निकालते कुछ दाने को, मतलब अपने सीट पाइस को, क्योंकि दाने दाने में लिखा है मजदूरी करने वाले का नाम। तो मोटू की तरह हमारे भी खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो इसलिए हम उबले हुए आलू को निकाल लेते हैं और आलू खाते खाते हम इधर मॉब्स को टॉर्चर करते हैं और फ्री की एक्सपी वसूलने के बाद हम फिर से मजदूरी करने चले जाते हैं। और हमने शवल से अपने घर का आउटलाइन बना रखा है तो हम इधर कॉर्नर में लकड़ियों को फंसा देते हैं। लड़की तो फंसने से रही, अब लकड़ी फंसा लेते हैं। तो गाइस सारे कॉर्नर में लकड़ियों को फंसाने के बाद अब हमें एक काम करना था, हमने जितनी भी लकड़ियों को लगाए उसके ऊपर हमें बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा बना लेना है। तो लकड़ी के लाले पड़े हुए थे तो हम एनवायरनमेंट डे वाला चोच ले अभी चालू कर देते हैं, बटम उसी को उगा कर काट भी देते हैं। तो मजदूरी करने के लिए कभी कभी इतना तो करना ही पड़ता है। तो गाइस इनफ वुड कलेक्ट होने के बाद हम सारे पिलर्स को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, सारे पिलर्स को बड़ा बनाने के बाद। तो पिलर्स कंप्लीट होने के बाद हम इनको प्यार से जोड़ देते हैं और गाइस इसको जोड़ते जोड़ते हमारा हुड खत्म हो जाता है। उसके बाद प्यार से एक एमएलजी करने के बाद हम नीचे जाते हैं और चेस्ट में बहुत सारे कूड़े को रखने के बाद फिर से हम एनवायरमेंट वाला चोचले शुरू कर देते हैं। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो लकड़हारा बनकर इसको काटना शुरू करते हैं। तो इतना और एक बात हम पानी से सुलगते सुलगते ऊपर जाते हैं और इसको कंप्लीट करना चालू करते हैं। तो उतना होने के बाद हम इनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, वो भी बिल्कुल प्यार से, बस हम इस टॉप वाले सेक्शन की चमड़ी को उधेड़ेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे इसको। और उसके बाद हम फिर से एक बार मस्ती से एमएलजी मारते हैं और अपना सीरा चोरा करते करते हम अपने घर पहुंच जाते हैं और अपने हीरा ठाकुर की मदद से हम अपने औजारों की मरम्मत कर देते हैं, बिल्कुल नया लग रहा है। और अपने पेटी से हम बहुत सारे पत्थर और अतरंगी पत्थरों को निकालने लगते हैं, बट रात हो चुकी थी तो हम वहीं पे बेड लगाकर गोरे बेच कर सो जाते हैं। और उठने के बाद हम अपने बोरिया बिस्तर को उठाकर चले जाते हैं अपने मजदूरी करने। तो उसके बाद हम कुछ ब्लॉक से वॉल बनाते हैं ताकि घर देखने लायक बने, वरना सस्ता एक्सरे बन जाएगा। और इतना होने के बाद हम अपने टेम्परेरी घर में जाकर कुछ अतरंगी पत्थरों को निकालते हैं और काटने वाली के पास जाकर हम बनाते बहुत सारे स्टेयर्स को। तो ऊपर नीचे करने के लिए हम कुछ स्टेयर्स लगाते हैं, वो भी एकदम खतरनाक स्टाइल में, और ये स्टेयर सिंगल ना ले जाए इसलिए हमने इसका जोड़ भी बना दिया, थैंक यू। तो उसके बाद हम अपना स्टेयर्स बनाना शुरू करते हैं। तो काम करते करते रात हो चुकी थी तो हम बेड एम एल जी करके सीधा सो ही जाते हैं, देख रहे हो भाई के सोने का तरीका। और फिर से उठने के बाद बोरिया बिस्तर को उठाकर हम फिर से मजदूरी करने लगते हैं और मैं इधर भी स्टेयर्स लगाता हूँ, बट ये तो ऊपर नहीं सीधा अंदर की तरफ रास्ता बन गया। और हम इसको तोड़ कर इसकी जगह अतरंगी पत्थर को लगा देते हैं और दूसरी तरफ भी ऐसा ही चिपका देते हैं, देख रहे हो विनोद, गेम में भी कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चल रहा है।
तो गाइस इतना होने के बाद हम ऊपर की तरफ जाते और इधर तीन स्टेप्स को लगाते और चारों तरफ भी वैसा ही कर देते हैं। और हम ऊपर की तरफ भी हम नीचे वाले जैसा ही छोटा पाइप बना देते हैं, सेम सेम बट डिफरेंट। बट भाई तो इस करकती धूप की वजह से काला बन गया, काले दे लिबास दी शकीनन कुड़ी। तो गाइस इधर से बहुत अजीब दिख रहा था तो हमने इसको तोड़ दिया। तो अब मैं मिलता हूँ इसको बनाने के बाद, टावर को बनाने के बाद। तो गाइस फाइनली हमने इस टावर को तो डेकोरेट कर दिया है, हमने थोड़ा सा इधर फेंस लगाया है और इधर अकेशिया का लॉक भी लगाया है। और अगर आप लोग इधर से ऊपर जाओगे तो इधर नीचे वाले रूम का भी रास्ता हमने इधर सीक्रेटली बना रखा है, खैर छोरो ढूंढने आने भी कौन वाला है। तो उसके बाद हम इधर एक खजाने का नक्शा बना लेते हैं, मतलब हमारे इस फार्म का नक्शा। तो उसके बाद हम इसको फिर से जोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे इस बॉर्डर के बिना हमारे फार्म का बाकी का काम तो होने नहीं वाला है। तो अब मजदूरी शुरू किया जाए। पूरे जमीन के बॉर्डर को बनाने के बाद तो गाइस फाइनली हमारा बॉर्डर बनकर तो रेडी हो चुका है। तो अब इस बॉर्डर के अंदर हमें बनाना था फार्म को। सबसे पहले तो हम इधर चार ब्लॉक का गड्ढा बना लेते हैं और इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। और गाइस जादुई मंत्र फूंककर हम इधर इनफिनाइट वाटर सोर्स बना लेते हैं। और उसके बाद क्या, फिर से गोरे बेचकर सो ही जाते हैं। तो गाइस उठने के बाद हम इधर एक गड्ढा बनाते हैं, जिसके बाद हम इधर पानी डाल लेते हैं। और गाइस हम इधर फार्म बनाना शुरू कर देते हैं। हम इधर येलो लाइन के अंदर के पूरे एरिया को ढकना था तो हम इसको रिपीट करते रहते हैं। फार्म बने या ना बने मजदूरी नहीं रुकना चाहिए। मेरे जैसे इस दुनिया में अच्छा इंसान कौन ही हो सकता है जो कि फ्री में मजदूरी कर रहा है। तो गाइस हमने इधर फाइनली थोड़ा सा तो करके रेडी कर दिया है। इधर गाइस ये अभी तक ज्यादा नहीं बना, मैं आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ। ये जो हरा हरा दिख रहा है वो सब मैंने प्लांट किया है। और अब बाकी के जगहों में भी बनाना था तो फिर से शुरू करते हैं। तो गाइस ये आधा तो बनकर रेडी हो चुका है, गाइस फाइनल रिजल्ट देखना शुरू हो रहा है। गाइस मैंने इस काम को इतना कर लिया है कि अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास बस यही काम रह गया है और कुछ तो काम ही नहीं है मेरे पास। बट जो भी हो मजदूरी में भी मजा आ रहा है। तो अब काम खत्म करने के बाद मिलता हूँ। पूरे खेत को कंप्लीट करने के बाद तो गाइस इस कुछ सीज के साथ फाइनली मैंने इसको कंप्लीट करके रेडी कर दिया है। गाइस बहुत टाइम लगा इसमें, मेरे 6 से 7 घंटे आराम से चले गए, क्योंकि गाइस सीट ढूंढने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद हम छत बनाने के लिए कुछ स्लैब्स बनाते हैं। और गाइस बाहर तो दिन में भी अंधेरा हो रखा था, शायद माइनक्राफ्ट ने फिर से नशा कर लिया। खैर छोड़ो, उसके बाद ऊपर टपकने के बाद हम छत को बनाना शुरू कर देते हैं। आज तो मैंने इतना मजदूरी कर लिया कि उंगली दुख रहे हैं। बस हवा निकल गई। तो गाइस फाइनली छत भी बनकर रेडी हो चुका है और गाइस हमारा मिल कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को इस पूरे फार्मर मिल को डेकोरेट करने के बाद, पूरे 100 एकड़ जमीन को डेकोरेट करने के बाद। तो गाइस फाइनली हमारा 100 एकड़ का जमीन कंप्लीट हो चुका है। और गाइस कंप्लीट करते करते हमारे फार्म भी पूरा हो गया। तो गाइस हमने अपना विंड मिल कुछ ऐसा बनाया है, पंखा नहीं चल रहा वो अलग बात है। और इस गेट के साथ जोड़कर हमने इधर चारों तरफ एक वॉल बना रखा है। और अगर आप लोग इस विंड मिल के अंदर जाओगे तो पहले वाले रूम में आप लोगों को बहुत सारे ब्लास्ट फर्नेस और फर्नेस मिलेंगे, जो कि इधर आप लोग पाइप्स देख रहे हो इसमें से धुआं बाहर निकलता है। और अगर आप लोग इधर से नीचे वाले रूम में जाओगे तो इधर 2 बेड लगे हुए हैं जो कि एक इंसान के लिए है बस। और इधर आप लोग हैबल्स भी मिलेंगे और आप लोग इधर बैरल में कुछ रिसोर्सेज भी देख सकते हैं। और गाइस चेस्ट खाली है। और गाइस हमने इधर दूसरे वाले बैरल्स में सिर्फ वीट को रखे है। तो हाँ गाइस इस घर के अंदर बस इतना है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है। और अगर आप लोगों को मेरा ये 100 एकड़ वाला मिनविल वाला खेत पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में 10 में से रेट कर देना। और गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि उस काली छिपकली को ही देते हैं, तो आप लोगों को क्या कहना है तो कमेंट में वो भी बता देना। और गाइस हमारे चैनल का रीच डाउन जा रहा है तो एक बंदे के साथ भी शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को सीधा नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।